गाइस फाइनली बहुत मुशक्कत के बाद आ चुके हैं हम लोग। कहाँ आ चुके हैं देख लीजिए, गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से मारा मारी चल रहा है कैब। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का शुरुआत हो रहा है रेलवे स्टेशन से, सियालदह स्टेशन। हम और साकिब और हम लोग जा रहे गाइस शिलोंग के लिए सफर में, बट ट्रेन लेट हो गया। सुबह 5 बजे का ट्रेन था, 6 बजे 6:50 का ट्रेन था और ट्रेन डिले होके हो चुका है, रिशेड्यूल 12:20 का। तो हम लोग रेस्ट कर रहे रेस्ट रूम में यहाँ पे रेलवे स्टेशन का, फिजूल का रेस्ट कर रहे हैं। ये सब मतलब जो पैसा खर्च हो रहा है, मतलब कह रहा है क्योंकि ट्रेन में रहते कितना अच्छा, बट कोई बात तो है नहीं। टाइम सबसे ज्यादा तो मैटर कर रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है इसलिए। तो गाइस हम लोग का ट्रेन और हो चुका है लेट डिले। पहले 12:45 था, अब 2:45 हो गया है। जैसे कि बताए थे होंगे वीडियो में, नहीं पता, याद भी नहीं आ रहा है। तो जा रहे हैं हम लोग नमाज पढ़ने के लिए अब, क्योंकि जुम्मा है आज। तो नमाज पढ़ ली, जब मौका मिला ही है, लेट हुआ ही है तो नमाज ही पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं गाइस नमाज पढ़ने के लिए जुम्मा का, उसके बाद फिर ट्रेन भी आ जाएगा। तो अब लेट ना हो गया, अब अगर लेट हुआ, डिले हुआ, यहाँ कैंसिल कर देंगे ट्रिप, जाएंगे ही नहीं, घर चल जाएंगे फिर सीधा। क्योंकि पहले 7 बजे था, फिर 12:45, फिर 2:45, इसीलिए अब ट्रेन अगर लेट हुआ तो जाएंगे। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं नमाज पढ़ के बिरयानी। हेलो गाइस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस चल रहा है गाइस। नमाज हो चुका है कम्प्लीट और उसके बाद खाते हैं बिरयानी, फिर जाएंगे ट्रेन के लिए आराम से। तो गाइस आ चुका हम लोग ट्रेन, बहुत मेहनत लगा, मुशक्कत लगा ट्रेन आने में। ये ट्रेन का अरमान कभी नहीं भूल सकेंगे हम लोग, बहुत टाइम लगा आने में ट्रेन को। तो गाइस हम लोग चलते हैं, फिलहाल बैठते हैं जल्द से जल्द जाके और कैसे ही पहुंच जाएं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, जगह का नाम नहीं पता, बोंगाई गाँव में, और मिल बोंगाई गाँव का लड़का मिल गया हम लोग को अरमान। देख सकते हैं छपरी, छपरी है छपरी। अच्छा वोट भी दिया, वोट भी दिया लड़का, देख सकते हैं आप लोग। वोट नहीं, हम कैच पकड़ने गए थे ना, चोट लग गया। अच्छा अभी बउआ है, घर का बउआ है, इसका अम्मी इसको छोड़ने आई थी तो स्टेशन तक पूरा एकदम। घर का बाबू है, बाबू है, बाबू झुंझुना है, बाबू रही है भाई। वेदर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा, ग्रीनरी हर जगह। तो हम लोग बोंगाई गांव में अभी हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से हम लोग का बस या कुछ इससे शेयरिंग कैब उसे और लोग निकल जाएंगे अपना शिलोंग के लिए। और जाके हम लोग का एक तो मोटिव है मेरा और साकिब का, तो उसको पूरा करना है। इन लोग का मोटिव मकसद, मकसद इन लोग का मकसद है, मेरा ही मकसद है, सबका मकसद अपना घूमना फिरना, खाली मकसद हम लोग, मेरा व्लॉग बनाना मकसद है और दिखाना आप लोग, हम लोग का तो घूमना फिरने का बस। गाइस फाइनली बहुत मुशक्कत के बाद आ चुके हैं हम लोग। कहाँ आ चुके हैं देख लीजिए, गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से मारा मारी चल रहा है कैब के लिए, कोई बहुत पैसा मांग रहा, कोई कम मांग रहा, तो देखते हैं जो रिजनेबल रेट जो रहेगा एकदम। ज्यादा कम में भी नहीं जाना, ज्यादा में भी नहीं जाना। दुर्गेश नाई, दुर्गेश नाई भाई, हम बहनों दुर्गेश नाई। तो आज हम लोग जो है जगह देख रहे हैं, अब निकलेंगे यहाँ पे तिब्बत का बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर यहाँ से चालू होता है, लिखा हुआ पता नहीं, इधर से चालू हो गया है, पता नहीं क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है यहाँ का। तो हम जाते हैं पहले पुलिस बाजार, यहाँ आने के बाद आप लोग जाना है तो पहले पुलिस बाजार जाना है। पुलिस बाजार से जाने के बाद आप लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाइए, बहुत सारा जगह है, एलिफेंटा फॉल है, तो क्या क्या सेवन सिस्टर वाटरफॉल है, तो बहुत जगह है। तो जहाँ जा जाएंगे बताएंगे, आप लोग मेरा ब्लॉग को कॉपी करिएगा, वैसे घूमिएगा तो आप लोग सस्ते दाम में भी घूम लीजिएगा अच्छा से। तो गाइस चलते हैं यहाँ से पहले कैब करके, जो 500 रुपये पर आदमी पड़ेगा एक आदमी का, शेयर कैब है, जो कैब भी हम लोग का आ ही चुका है। तो गाइस ये देखिए, इसको बोलते हैं उमियम लेक, जो रास्ता है बड़ा गुवाहाटी टू शिलोंग, जब जाएंगे तो पीछे पड़ेगा। काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत ही सुंदर रास्ता भी यहाँ का है, बाकी क्लाइमेट भी अच्छा लग रहा है, बादल सब लगा हुआ, बगल बगल पहाड़ बहुत बड़ा बड़ा है गाइस। वीडियो में तो पता नहीं चल रहा है कैसा है, बट रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जाते हैं गाइस, सफ़र का मज़ा लेते हैं हम लोग। बाकी ये लोग दोनों गधा लोग सोया हुआ था, ये लोग देख नहीं पाया अभी तक कुछ, तो हम लोग Thank you.
भाइयों बहनों, दुर्गेश नाई पहचाना कि नहीं पहचाना? रेडी हो चुके हैं सब, पहने डेनी और जा रहे हैं अब घूमने के लिए पुलिस बाजार। यहाँ का बेस्ट बाजार है पुलिस बाजार, जैसे कि गैंगटोक का एमजी मार्केट है, एमजी ना मार्केट है ना, हाँ। एमजी मार्केट होता है यहाँ का पुलिस बाजार। गाइस चलते हैं यहाँ पुलिस बाजार और देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, और दिखाते भी आप लोगों को। चलिए निकलते हैं यहाँ से, हम लोग चला जाए। Let's begin. तो निकल चुके हैं पुलिस बाजार में और देख सकते हैं आप लोग मार्केट यहाँ का काफी अच्छा मार्केट है। पर रास्ता जो है ना पूरा ऐसे रहेगा, स्टीप ऊपर एकदम नीचे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो रहता ऐसे ही रहेगा ही मार्केट। बाकी पूरा एकदम इसी जगह का नाम है पुलिस बाजार। बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग निकले ही हैं अभी, आज से तक ट्रैवल करते रहते हैं, पूरा देखें कैसा है कैसा नहीं, एक्सप्लोर करेंगे हर एक जगह पर यहाँ का। अरे अरमान भाई बोल दीजिए कुछ। दिस इज वेयर आई तो हम लोग जा रहे आगे की तरफ गाइस, यहाँ से लेफ्ट लेके और यहाँ से घूमते घूमते देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है बाजार पूरा। बाकी अच्छा ही लग रहा है, हम लोग न्यू मार्केट जैसा है उसी टाइप का मार्केट है, बट थोड़ा अलग जगह जाएंगे तो अलग मिलता है माहौल, बस वही और कोई बात नहीं। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है मार्केट पूरा। यहाँ रास्ता रास्ता में सीढ़ी बना हुआ है, हर एक जगह में सीढ़ी बना हुआ है। मतलब हम लोग तरफ तो सीढ़ी कहीं चढ़ने में होता है, बट यहाँ रास्ते ही में सीढ़ी बना हुआ ऊपर जाने के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। बाकी सब दुकान वगैरह है, चलते हैं गाइस आगे की तरफ। सब शॉर्टकट ले रहे हैं हम लोग अभी, ये सब शॉर्टकट है, फिर यहाँ से मार्केट चालू हो गया पूरा। पीछे मार्केट था, फिर यहाँ मार्केट चालू, बीच में रास्ता था। कुछ बोल दीजिए आप भी, बहुत स्मार्ट लग रहा है आप, लेकिन सच में अभी हम बटन लगा लिए ना, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। यहाँ है 21 डिग्री, बिहार में आया हुआ 47 डिग्री 50 डिग्री, गर्मी से जूझ रहे और यहाँ हम जैकेट पहने हुए हैं, मैं किसी जून में। गाइस ये मार्केट जो है ना पूरा का पूरा डिट्टो एकदम लग रहा है, न्यू मार्केट में ही आ चुके हैं। बस ये चीज़ में दिल में फीलिंग है कि हम लोग शिलोंग घूम रहे हैं, बस यही है। बाकी अगर ऐसा नॉर्मल मार्केट देख के लग रहा है न्यू मार्केट, क्योंकि ऑलराउंडर मार्केट जैसे वहाँ का चप्पल जूता कपड़ा सब मिलता है, वैसे सब यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन ज़्यादा भीड़ थोड़ा इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, ये सबसे मिड पॉइंट है पुलिस बाजार जो है ना गाइस, ये बहुत मिड पॉइंट है। सब आदमी पहले यहीं आता है, इसके बाद कहीं जाना है तो हम जो घूमने जाएगा और अलग अलग जगह, यहीं से आपको पैकेज मिलेगा, सब चीज़ यहीं मिलेगा। आप लोग पहले गुवाहाटी, गुवाहाटी से यहाँ ये पुलिस बाजार, यहाँ हल्का फुल्का घूमिए, मार्केट बाजार में सब शॉपिंग करिए, उसका चल जाइए पहाड़ों का मजा लेने कहीं का। ये लोग पीछे घूम रहे हैं मेरे साथ में, तो हम लोग भी गए घूम ही रहे हैं आस्ते आस्ते और दिखाते जा रहे हैं आप लोग को यहाँ का मंजर, यहाँ का माहौल कैसा है कैसा नहीं। तो गाइस अब हम लोग आए मेन जगह शिलोंग, यहाँ ये प्रूफ है हम लोग शिलोंग आ चुके हैं। यहाँ पे लेंगे हम लोग थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे हम साकिब भाई अरमान, उसके बाद थोड़ा और जाएंगे आगे। बहुत लंबा बाजार है, पूरा मार्केट ही मार्केट है, आगे पीछे हर तरफ मार्केट ही है। बाकी ये बीच में सेंट्रल जो कुल चक्कर है, अभी लिखा हुआ आई लव शिलोंग, यहाँ पे लेते हैं थोड़ा फोटो वगैरह, फिर जाते हैं यहाँ से कहीं और की तरफ। हम लोग घूम घूम के थक गए हैं तो खाते हैं थोड़ा स्वीट कॉर्न, मसाला स्वीट कॉर्न। ये लोग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ, तुम लोग फीडबैक दो जल्दी से। हमको अच्छा लग रहा है। तुमको आसामी, आसामी को बेकार लग रहा है और साकिब को अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लगा, खाए हैं थोड़ा समझ में आया है और टेस्टी है। 50 रुपया करके मिल रहा है पर कप स्वीट कॉर्न, तो आप लोग भी आइए यहाँ पे खाइए पुलिस बाजार में। तो गाइस हो चुका है हम लोग घूमना फिरना आज कंप्लीट, तो चलते हैं अब घर में। नाइकी से क्या चीज बोला था अभी, खरीद के लेके आया अभी, लिया है गाइस नया जूता लिया है, 10:30 में ना 10:30 में लिया है अभी नया नया जूता एकदम। हम चलते हैं अब अपना होटल में रेस्ट करते हैं, भैया थक भी गए सुबह से निकले हुए थे, तो चलते हैं घर अब। और कल निकलेंगे चेरापूंजी, वहाँ का बनाएंगे नया व्लॉग और दिखाएंगे वहाँ का पूरा सिस्टम कैसा है कैसा नहीं। वहाँ 7 पॉइंट वहाँ भी है, वहाँ दिखाएंगे आप लोग कैसा है कैसा नहीं पूरा।